नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संगम क्लासेस। आज फिर से हम देखते हैं एक अल्फाबेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इससे पहले के वीडियो में हम देखे थे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, किस प्रकार से इनके क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से इनके पदों का क्रमांक और पदों का योग दर्ज करते हैं। तो आज हमें इसी क्रम में लिखना है एक समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जैसे हमें समांतर श्रेणी में यणवा पद निकालना है, तो यणवा पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इनटू d, यानी a होता है प्रथम पद, n पदों की संख्या हो गई, माइनस 1 करना है, d होता है दो पदों के बीच का डिफरेंस। इसके बाद सम ऑफ नंबर ज्ञात करना है आपको, यानी कुल पदों का योग ज्ञात करना है, तो n by 2 ब्रैकेट में क्या रहता है 2a plus n minus 1 d। ये यहां पर पहला पद यानी अंतिम कुल पद और d क्या हो जाएगा डिफरेंस। यदि हमारे पास समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है a है, तो दूसरा पद होता है a plus b, तीसरा पद होता है a plus 2d, चौथा पद होता है a plus 3d, पांचवा पद होता है a plus 4d, छठवा पद होता है a plus 5d। इसी प्रकार से क्रम चलता है। जैसे हमने इसको दो माना, तो दो और दो चार हो जाएगा, दो धन चार करेंगे छह आ जाएगा, दो धन छह करेंगे तीन दूनी छह क्या आ जाएगा आठ आ जाएगा। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में पहला पद ये है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a plus d, तीसरा पद क्या हो जाएगा a plus 2d, यानी जितना भी पद आपको बताना है। जैसे 50वें पद का योग क्या होगा, तो 50 पद बराबर से क्या हो जाएगा 50वां पद बराबर हो जाएगा a plus 49d, यानी जो भी डिफरेंस होगा डिफरेंस का 49 से डिवाइड करेंगे a जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50वां पद। यानी जितना भी पद बोला आपको उस पद में से a घटाना, d से गुणा करना और पहले संख्या यानी a में आपको जोड़ना होता है। इसी पर आधारित क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है तथा छठवां पद 13 है, तो प्रथम पांच पदों का योग क्या होगा। सबसे पहले क्या दिया, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है दोस्तों a plus 2d, a plus 2d किया तो ये बन गया हमारे पास तीसरा पद, a plus 2d is equal to 7। छठवां पद, छठवां पद क्या हो जाएगा a plus 5d, 5d यानी छठवां पद हो गया तो ये है कितना 13। हम यदि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड माने तो इनको क्या करना हो, माइनस क्या हो जाएगा पांच में से दो हो जाएगा 3d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 में से 6 गया 7 बचा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। d यानी क्या हो गया डिफरेंस आ गया 2 का, तब समीकरण फर्स्ट में d रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रख देते हैं हम, क्या आ जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा a plus 2 into 2 is equal to 7, तो a is equal to क्या आ जाएगा 7 में 4 गया 3, यानी श्रृंखला में या समांतर श्रेणी में पहला पद क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। और पहला पद जब 3 आया तो हमको पूछा है प्रथम पांच पदों का योग, यानी सम ऑफ हमको योग पूछा है, तो क्या हो जाएगा योग का वैल्यू हमारे पास क्या होता है n by 2 to a n minus 1 d। तो n कितने हैं हमारे पास पांच पद, n का मान 5 हो गया, 5 बटे 2, 2 गुणित क्या हो गया पहला पद क्या है 3, ये हो गया 2a प्लस n हो गया हमारे पास 5 minus 1 into difference हो गया कितने का d हमारे पास फिर से 2 हो गया, बस मान रखते हैं 5 बटे 2 गुना 3 दुनी 6 और 5 में से 1 क्या 4, 4 दुनी 8, 8 और 6 हो जाएगा कितना 14, 2 से सरल हो जाएगा 7 बार, योग आ गया दोस्तों हमारे पास 35। तो किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद यदि 7 है तथा छठवां पद 13 है, तो प्रथम पांच पदों का योग क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारे पास योग आ गया 35। एक क्वेश्चन है समांतर श्रेणी x प्लस 2 है, 3x है, 4x प्लस 1 में x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x का मान तभी निकलेगा जब हमारे पास समांतर श्रेणी है। इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि यदि समांतर श्रेणी एबीसी यदि है आपके पास, समांतर श्रेणी क्या एबीसी है, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी, यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस सी अपॉन 2, यानी पहले और तीसरे का योग का आधा किसके बराबर होगा, मध्य संख्या यानी माध्य के बराबर होगा। जैसे
थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू प्लस फोर एक्स प्लस वन डिवाइड बाय क्या है टू, तो ये कितना हो जाएगा तीन गुना छह हो जाएगा, सिक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चार और एक पांच एक्स हो जाएगा, दो और एक तीन हो जाएगा, छह में से पांच जाएगा दोस्तों एक बचेगा, यानी एक से का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास तीन आंसर हो जाएगा, यानी समांतर श्रेणी एक्स प्लस टू थ्री एक्स फोर एक्स प्लस वन में एक से का मान क्या आया तीन आया। तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एक समांतर श्रेणी जिसमें यन्वा पद ज्ञात करना और कुल पदों का योग ज्ञात करना। इसके बाद आता है हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी में आपको जब योग ज्ञात करना होता है सबसे पहले तो यन्वा पद बराबर होता है पहला पद इंटू सार्वगुणज, आर क्या होता है सार्वगुणज की पावर n माइनस वन, सम ऑफ नंबर क्या होता है यानी योग होता है a की पावर a इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा r माइनस वन, आर की पावर n पूरे के माइनस में है वन, सबसे पहले r की पावर n का वैल्यू निकालना होता है उसके बाद वन करना है, वन जो माइनस में है r के माइनस में n के माइनस में नहीं है, जैसे यहाँ पर n के माइनस में था वन यहाँ पर पूरे के माइनस में वन है। चलो यदि हमने यहाँ पर माना समांतर श्रेणी में पहला पद a दूसरा पद a प्लस डी आया तीसरा पद a प्लस टू डी आया, वैसा ही किसी गुणोत्तर श्रेणी को लिखते हैं हम जीपी, जीपी में यदि पहला पद यदि हमारे पास a है तो दूसरा पद हो जाएगा ए आर, तीसरा पद हो जाएगा ए आर स्क्वायर, चौथा पद हो जाएगा ए आर थ्री, पांचवा पद हो जाएगा ए आर फोर, इसी प्रकार हमारे पास अनंत पदों का योग आ जाएगा। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी में यदि पहला पद ए है तो ए इंटू आर होता है सार्वगुणज, ए से हमने सार्वगुणज का वर्ग कर दिया तो ये तीसरा पद बन गया, सार्वगुणज का घन कर दिया ए से गुणा कर दिया तो ये तीसरा पद बन गया, चौथा पद बन गया, सार्वगुणज की पावर फोर कर दिया इंटू ए से कर दिया तो ये हमारे पास पांचवा पद बन गया। अब किसी जीपी में अनंत पदों का योग होता है, जीपी में अनंत पदों का योग बराबर होता है ए अपॉन वन माइनस आर, अनंत पदों का योग क्या है तो ए अपॉन वन माइनस आर, इसी प्रकार हमको पूछा है 16 8 4 2 के अनंत पदों का योग क्या होगा, तो ए बराबर यहाँ पर आप 16 लीजिएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा देखो 16 से क्या हो गया 8 हुआ मतलब आधा हो गया, आधा 8 से आधा क्या हो गया 4 हो गया, 4 का आधा फिर 2 हो गया, 2 के बाद 1 आएगा, इस प्रकार से अनंत पदों का योग क्या होगा, तो हमारे पास ए हमेशा क्या होता है सीरीज में प्रथम संख्या, आर क्या हो गया यहाँ पर तो आर बराबर हो गया 16 से क्या हो गया 8 हो गया, 8 हुआ इसमें से हुआ 16 में से तो 8 का मान 8 दुनी 16, आर का मान क्या आ गया दोस्तों 1/2 आ गया, तो अनंत पदों का योग होता है हमारे पास a अपॉन 1 माइनस आर, तो a का मान 16/1 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 1, 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा 1/2, 2 क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 × 2 यानी क्या आ जाएगा आंसर 32, यानी 16 से लेकर 8 4 2 की श्रृंखला में अनंत पदों का योग क्या होगा तो 32 होगा। इसी प्रकार एक गुणोत्तर श्रेणी में और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आपके लिए, जैसे एक गेंद है एक गेंद को किसी एक निश्चित ऊंचाई, निश्चित ऊंचाई जैसे हमारे पास दिया 5000 मीटर की ऊंचाई से धरातल पर फेंका जाता है, एक गेंद को अत्यधिक ऊंचाई या निश्चित ऊंचाई 5000 मीटर की ऊंचाई से धरातल पर फेंका जाता है तो पहला जो उसने उछाल लिया पहले उछाल के अंत में कुल ऊंचाई का कितना दूरी तय हुआ 4/5 दूरी तय कर लेता है, इस कंडीशन में वह जब तक गेंद न रुक जाए तब तक उसके द्वारा कुल दूरी क्या होगी, यानी पहली बार जो उछाल लिया उसने तो ये हो गई हाइट कितनी 5000 मीटर, 5000 की दूरी तय की उछाल पर यहां आया तो यहां पर 5000 का कितना तय किया 5000 का 4/5 तय किया, यानी कितना तय किया 5 × 5 4000 मीटर की ऊंचाई तय की, 4000 मीटर की ऊंचाई कब तय हो गई प्रथम उछाल के बाद, प्रथम उछाल के बाद तय दूरी क्या हो जाएगी प्रथम उछाल के बाद तय दूरी 5000, तो उसने जितनी ऊंचाई थी उतना तय किया सबसे पहले यहाँ पर धरातल पर आने के लिए, इसके बाद इसका 4/5 4/5 4000 हो गया, इसमें 4000 जोड़ दिया कितना हो गया टोटल 9000 हो गया, यानी ये 9000 जो बना क्या हो गया प्रथम उछाल के बाद की दूरी हो गई। अब जो उछलेगा यहाँ पर 4000 हो गई ये दूरी, अब जो उछलेगा ये फिर से उछला तो ये 4000 का अब कितना दूरी तय होगा पहले 4000 तय होगा और फिर 4000 का 4/5 हो जाएगा, है ना, इस कंडीशन में उछलते जाएगा और अंत तक आपको दूरी बताना है जब तक इस उछाल पर दूरी शून्य न हो जाए, तो इसके द्वारा गेंद द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी ये निकालना होता है।
तो ये हर उछाल पर आप नहीं निकाल सकते हैं। हर उछाल के बाद कितना निकालना है हमको, 4/5 निकालना है, फिर उसमें जोड़ना है, 4/5 निकालना है, फिर उसमें जोड़ना है। तो ये भी एक दोस्तों जीपी का क्वेश्चन है, यानी गुणोत्तर सरणी का क्वेश्चन है, जिसको हम अनंत पदों के योग से बना सकते हैं। अनंत पदों का योग यानी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, इसे भी क्या बना सकते हैं, a अपॉन 1 माइनस r से बना सकते हैं अनंत पदों का योग, जहां पर a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 9000 हो जाएगा। पहले उछाल पर तय दूरी क्या हो जाएगी 9000, तो 9000 हो गया है, 9000। चलो नीचे क्या हो गया, 1 माइनस कितना है 4/5 है, चलो 5 एकम 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1 बचा, 1/5 आ जाएगा। चलो 9000 गुणित क्या हो जाएगा 5, 9 5 कितना हो जाएगा 45000। तो ये हो गया 45000 इसके द्वारा कुल तय की गई दूरी। तो ये था दोस्तों हमारे लिए आज के समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये था हमारा समांतर श्रेणी और ये था गुणोत्तर श्रेणी, ये आते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। एक सीरीज दिया रहता है, सीरीज के अलावा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसे लगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना।